अहमदाबाद पहुंचते ही पाकिस्तान टीम को मिली एक साथ तीन तीन बड़ी खुशखबरी। भारत पाकिस्तान मुकाबले से पहले खुशी से झूम उठी टीम पाकिस्तान। जी हां दोस्तों, आखिरकार भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाले मुकाबले से पहले अहमदाबाद पहुंचते ही पाकिस्तानी खेमे के लिए आई है कौन सी तीन बड़ी खुशखबरी, जिसे सुनने के बाद खुशी से झूम उठी पूरी टीम पाकिस्तान। बताएंगे आपको उस बड़ी खुशखबरी के बारे में इस वीडियो में आगे। लेकिन इससे पहले आप भी पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करते हैं तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बाबर आजम की कप्तानी वाली पाकिस्तान की टीम की निगाहें अब अपने अगले मुकाबले में भारतीय टीम को हराने पर टिकी होगी। आपको बता दें कि पाकिस्तान की टीम ने अभी तक शुरुआती दोनों मुकाबलों में बेहतर प्रदर्शन किया है और अंक तालिका में भी अपनी स्थिति को बेहतर बनाए हुए है। पाकिस्तान की टीम अगर इस मुकाबले में टीम इंडिया को हरा देती है तो वो अंक तालिका में और भी ऊपर पहुँच जाएगी। ऐसे में पाकिस्तान की निगाहें इस मुकाबले में बेहतर प्रदर्शन कर टीम इंडिया को हराने पर टिकी होगी। हालांकि इस मुकाबले से पहले पाकिस्तानी टीम के लिए तीन बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आई है। पहली बड़ी खुशखबरी के बारे में बात की जाए तो वो पाकिस्तान की ओपनिंग जोड़ी को लेकर सामने आई है। पिछले कुछ समय से पाकिस्तान के ओपनिंग बल्लेबाज खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं, लेकिन अब्दुल्ला सफीक को टीम में शामिल करके पाकिस्तान की परेशानी दूर हो गई है। अब्दुल्ला सफीक ने श्रीलंका के खिलाफ शतक लगाकर टीम में अपनी जगह पक्की कर ली है। ऐसे में पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशखबरी है। बात करें अगर दूसरी बड़ी खुशखबरी के बारे में तो वो शाहीन अफरीदी की चोट को लेकर आई है। दरअसल शाहीन अफरीदी की चोट को लेकर पाकिस्तान में काफी चर्चा चल रही थी, लेकिन अब बाबर ने यह कंफर्म कर दिया है कि शाहीन बिल्कुल ठीक हैं और वह भारत के खिलाफ खेलने के लिए तैयार हैं। बात की जाए अगर तीसरी और आखिरी बड़ी खुशखबरी के बारे में तो आपको बता दें कि शादाब खान की जगह पाकिस्तान के प्लेइंग 11 में खतरनाक स्पिनर ओसामा मीर की एंट्री होने जा रही है, जिसके चलते पाकिस्तान का स्पिन अटैक काफी मजबूत हो जाएगा। यह थी वह तीन बड़ी खुशखबरी जिसके चलते पाकिस्तान टीम भारतीय टीम से ज्यादा मजबूत हो गई है। आपके मुताबिक भारत पाकिस्तान मुकाबले में कौन से खिलाड़ी सबसे ज्यादा रन बनाएगा, आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।